नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यूटी का थ्योरम देखने वाले हैं। आज हम सम के लिए, प्रोडक्ट के लिए, डिवाइड के लिए किस तरीके से कंटिन्यूअस होता है, इसके बारे में थ्योरम देखने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आइए देखें आज की क्लास। और हमारे इस लेक्चर को देखने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, यदि सब्सक्राइब कर लिया है प्यारे बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, क्या मिलता है। देखिए, ये लिमिट एंड कंटिन्यूटी का है, चैप्टर वन का, थ्योरम्स ऑन कंटिन्यूअस फंक्शन। तो क्या क्या थ्योरम है इसके बारे में बात करते हैं। पहला थ्योरम, गिवन दैट लेट द फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल ए। दो फंक्शन गिवन है प्यारे बच्चों, दोनों एक्स इज इक्वल ए पर कंटिन्यूअस है, देन एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल जीरो, सॉरी एक्स इज इक्वल ए। हमें फाइंड आउट करना है कि यदि हम इसका सम करें, इसका डिफरेंस या सब्सट्रैक्ट करें, तो दोनों का सम या डिफरेंस जो है एक्स इज इक्वल ए पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। यह हमारा थ्योरम है। हम इसे कोचिश डेफिनेशन के थ्रू प्रूव करना चाहते हैं प्यारे बच्चों। क्या होता है कोचिश डेफिनेशन? एफ एक्स इज इक्वल कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल ए फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट डेल इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल इंप्लाइज मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन कितना एप्सिलॉन। हम इसको इतना शो करेंगे तो कहेंगे कि एफ एक्स एक्सटेंड टू ए पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ओके, आइए इसी के बारे में बात करते हैं प्यारे बच्चों। हमारा थ्योरम है ये, देखिए क्या सपोज करेंगे। लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल ए, देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल। सिंस एफ एक्स बाय डेफिनेशन ऑफ या फिर राइट कर सकते हैं बाय कोचिश डेफिनेशन, ऐसे राइट कर लीजिएगा, कोचिश डेफिनेशन से क्या अभी हमने बताया आपको, सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल ए, देन For given epsilon is greater than zero, there exist del one, del two is greater than zero. अब देखिए del one and del two, two positive number आपने है ना लिया यहां पर, क्यों? क्योंकि आपके पास given function कितना है, two, f x and g x. तो हमने write किया there exist del one, del two is greater than zero such that जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल वन इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। बच्चों, आप एप्सिलॉन को एप्सिलॉन बाय टू, एप्सिलॉन बाय थ्री जो भी राइट करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट हमारा है जीरो इज लेस देन मॉड
एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल वन इंप्लाइज, सॉरी डेल टू इंप्लाइज जी एक्स माइनस कितना जी ए इज लेस देन कितना एप्सिलॉन बाई टू। बट बच्चों हमें इसको एक ही प्लेस पर यूज करना है, यहां पर डेल वन है और यहां पर डेल टू है, तो इसको हम सिंगल वैल्यू मेकिंग करते हैं। तो हम इन दोनों का मिनिमम वैल्यू लेकर के चलते हैं। यदि हम मिनिमम वैल्यू लिए डेल वन और डेल टू का, तो ये डेल की इक्वल होगा, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देन फ्रॉम वन एंड टू दोनों के लिए बोथ क्या होगा, एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू जी एक्स माइनस जी ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, दिस इज इक्वेशन थर्ड। वी हैव टू फाइंड एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल ए, देन टेकिंग एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स माइनस एफ ए प्लस माइनस जी ए सॉल्विंग दिस फंक्शन आप राइट कीजिएगा, तो एफ एक्स माइनस करेंगे तो माइनस एफ ए प्लस माइनस, यहां से कॉमन निकालिएगा तो प्लस माइनस है ना, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा जी एक्स माइनस यह होगा जी ए। बाय यूजिंग ट्रेंगल इनइक्वलिटी, क्या होता है ट्रेंगल इनइक्वलिटी प्यारे बच्चों, एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू, तो लेस देन मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए एफ एक्स माइनस एफ ए प्लस जी एक्स माइनस जी ए, यू नो फ्रॉम इक्वेशन थ्री लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। ये देखिएगा एफ एक्स माइनस एफ एल एप्सिलॉन बाई टू यस, तो एप्सिलॉन बाई टू प्लस एप्सिलॉन बाई टू लेस देन कितना एप्सिलॉन। फाइनली आपने फाइंड किया प्यारे बच्चों एफ एक्स माइनस प्लस माइनस जी एक्स एफ ए प्लस माइनस जी ए इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके यहां पर राइट करेंगे दस फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो दे आर एग्जिस्ट डेल इज ग्रेटर देन जीरो such that 0 is less than mod x minus a is less than del implies f x plus minus g x minus f a plus minus g a less than kitna epsilon, hence f x plus minus g x is कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल ए। तो देखिए बच्चों आपको गिवन था एफ एक्स और जी एक्स टू फंक्शंस दोनों कंटिन्यूअस थे फॉर एट है ना फॉर एक्स इज इक्वल जी ए, वी हैव टू फाइंड हमें फाइंड करना था एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स को कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल ए। तो हमने फाइंड किया, हमने
मेकिंग किया यहां पर, जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल इंप्लाइज मॉड एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स माइनस एफ ए प्लस माइनस जी ए इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कौची डेफिनेशन से एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इज इक्वल ए। बस इसी तरीके से सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, यहां से नोट कीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट है बच्चों, इफ द फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, सेम क्वेश्चन बट यहां पर क्या है, प्रोडक्ट है, इनटू है, ये देखिएगा प्रोडक्ट है। इफ द फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल ए देन द प्रोडक्ट एफ एक्स इनटू जी एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल ए। कैसे प्रूव करेंगे प्यारे बच्चों, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल ए देन वी हैव टू प्रूव दैट एफ एक्स इंटू जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल ए। सिंस एफ एक्स एंड जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल ए देन बाई Cauchy's definition, क्या जानते हैं आप, for any given epsilon is greater than zero, there exist, यहां पर देखिए two functions हैं, तो आप suppose कीजिएगा del 1 del 2 is greater than zero such that 0 is less than mod x minus a is less than del 1 implies f x minus f a is less than kitna epsilon by 2. Again 0 is less than minus mod x minus a is less than kitna del 2 implies mod g x minus g a लेस देन कितना एप्सिलॉन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो इसको हम एक ही प्लेस पर यूज करना चाहते हैं। अब एक प्लेस पर यूज करोगे तो यहां डेल वन है और डेल टू है, यूज कर सकते हो क्या, तो हम इनको डेल बनाएंगे। और इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के मिनिमम जो वैल्यू है उसको हम डेल राइट कर लेंगे। तो लेट इसको आप सपोज कर लीजिएगा वन एंड टू, लेट डेल इज इक्वल मिनिमम डेल वन डेल टू, ओके, देन जीरो इज लेस देन, आपने सपोज कर लिया तो दोनों सेम वैल्यू हो गया डेल, ये दोनों, और इंप्लाइज बोथ दोनों के लिए क्या करेंगे भाई, एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, जी एक्स माइनस जी ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, दिस इज इक्वेशन थर्ड। हमें फाइंड आउट करना है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो टेकिंग मॉड एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ ए इंटू जी ए, और यहां पर हम लेकर के आएंगे लेस देन एप्सिलॉन, देन एफ एक्स इंटू जी एक्स प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स जी एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल ए होगा। चलिए मैं लेता हूं प्यारे बच्चों एफ एक्स इंटू जी एक्स लिया माइनस एफ ए इंटू जी ए, यहां पर आपको सीन करना है, हमें यहां पर कुछ एड करना है, कुछ सब्सट्रेट करना है, इसको सीन करते हुए ये दोनों वहां पर आना चाहिए। तो आप यहां पर क्या एड और क्या सब्सट्रेट कर सकते हैं आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहते हैं। तो देखिएगा, या तो आप एफ एक्स माइनस एफ ए लाना है
तो एफ ए इंटू जी एक्स कर सकते हो या फिर एफ एक्स इंटू जी ए, आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं। मैंने किया एफ एक्स जी एक्स, यहां पर हमको लेकर आना है एफ ए, तो मैंने एफ ए इंटू जी एक्स एड किया प्लस एफ ए इंटू जी एक्स सब्सट्रैक्ट किया माइनस एफ ए इंटू क्या हुआ जी ए। ये देखिए प्यारे बच्चों, आप देखो आपने ऐसा किया, ने राम ने ऐसा किया, श्याम हो सकता है आपको क्या कर सकता है यहां पर एफ एक्स इंटू जी ए ले सकता है। दो तरीके से किया जा सकता है, एफ एक्स इंटू जी ए एड करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे, जितना है उतना सब्सट्रैक्ट करना, जिसको हम पाउडर कहते हैं प्यारे बच्चों, पाउडर लगाना, फेस को चेंज करना, इसका फेस चेंज हो गया देखिए, इन दोनों को कैंसिल करेंगे रिटर्न फेस मिलेगा। आइए अब इसमें हम फाइंड करें, आगे बढ़े, इनमें कॉमन कुछ दिख रहा है प्यारे बच्चों। चलिए हमने जी एक्स कॉमन लिया, एफ एक्स माइनस कितना रिमेनिंग एफ ए हुआ, प्लस इनमें देखिएगा एफ ए जो है कॉमन हुआ, जी एक्स माइनस कितना हुआ जी ए, ये देखें। अब हम ट्रेंगल इनइक्वालिटी की बात करते हैं, मॉड एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, होता है बिल्कुल होता है। अब इसमें देखिएगा लेस देन इक्वल देन मॉड एक्स जी एक्स इंटू में है तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए, ये देखिएगा प्लस एफ ए मॉड जी एक्स माइनस जी ए। एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, आपके पास एफ एक्स माइनस एफ ए का वैल्यू है, ये ऑलरेडी वैल्यू है, ये इसका भी वैल्यू है, लेकिन ये फंक्शन है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। इसके लिए हम इक्वेशन इसको फोर ले लेते हैं, फर्स्ट चॉइस एज ए फर्स्ट चॉइस टेकिंग डेल इज इक्वल वन फ्रॉम इक्वेशन थ्री। अब देखिए आपके पास इक्वेशन थ्री क्या है, देखिएगा तो यहां पर जी एक्स माइनस जी ए इज लेस देन कितना वन बाई टू, ये देखिए तो वन बाई टू आपने सेट किया यहां पर, देखिएगा या आप क्या कर सकते हैं, देखिए लेस देन वन तो यहां पर क्या हो जाएगा मोड एफ एक्स सॉरी जी एक्स माइनस जी ए इज लेस देन वन बाई टू, ठीक। अब इसको मैं इसका वैल्यू लाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव लूंगा और इसको मैं ट्रांसफर करूंगा तो ये इधर पॉजिटिव आ जाएगा वन बाई टू, तो फाइनली हमको मिला लेस देन जी ए प्लस वन बाई टू, राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दिस इज इक्वेशन फाइव। अब देखिए इसका वैल्यू आपके पास ये आ गया, इसका एप्सिलॉन बाई टू, इसका तो वैल्यू ऑलरेडी है, ये तो वैल्यू में ही है, ये एप्सिलॉन बाई टू, तो सबका वैल्यू रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस 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 फ्रॉम थ्री एंड फोर इन इक्वेशन थ्री एंड फाइव इन इक्वेशन फोर, पुटिंग इक्वेशन थ्री एंड फाइव इन इक्वेशन फोर, क्या मिलने वाला है देखिएगा, वी हैव एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ ए इंटू जी ए इज इक्वल सॉरी लेस देन जी एक्स, तो जी एक्स लेस देन कितना है मॉड जी ए प्लस वन बाई टू, एफ एक्स माइनस एफ ए दैट इज कितना एप्सिलॉन बाई टू, प्लस मॉड एफ ए प्लस एप्सिलॉन बाई टू, तो इसमें आपके पास यहां पर क्या आया एप्सिलॉन बाई टू, एप्सिलॉन बाई टू ये कितना हो गया जी ए प्लस वन बाई टू प्लस एफ ए। अब एक हम यहां पर न्यू सिलेक्शन यहां पर देंगे, हमको लाना है लेस देन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन डैश जो भी है, तो हम इसको क्या सेलेक्ट करेंगे, इसको
यहां पर न्यू सेलेक्ट करेंगे एप्सिलॉन डेस, तो ये हमको क्या मिलेगा, देखिएगा लेस देन एप्सिलॉन, इसको हम फाइनली एप्सिलॉन बाय टू मॉड जी एक्स प्लस वन बाय टू प्लस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन डैश आपके पास ये आया, तो इसके प्लेस पर आप एफ एक्स इंटू जी एक्स माइनस एफ ए इंटू जी ए लेस देन एप्सिलॉन डैश राइट कर सकते हैं, और एप्सिलॉन डैश लेस देन एप्सिलॉन डैश इससे छोटा, ठीक है, यानी एप्सिलॉन डैश वेयर एप्सिलॉन डैश इसको हम राइट कर सकते हैं और आगे, और या नहीं करेंगे तो इतना ही कीजिएगा। अब इसमें आपने फाइंड आउट कर लिया, अब राइट करेंगे क्या राइट कीजिएगा, ये देखिए हेंस एक मिनट बच्चों जगह बनाते इसमें, यहां पर राइट कीजिए does given epsilon is greater than 0 there exist del is greater than 0 such that क्या निकालेंगे इसको, mod fx minus fx into gx minus fa into ga is less than कितना epsilon, आपने क्या लाया है लेस देन एप्सिलॉन डैश, मतलब वही है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर एवरी जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल, तो हेंस एफ एक्स इंटू जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल जीरो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा, बस इसी ढंग से आपको कर लेना है। चलिए इसको जल्दी नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट के लिए हमने फाइंड किया, देखिए सेम डिवाइड के लिए कर सकते हैं, इफ द फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल ए देन एफ एक्स जी एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल है प्रोवाइडेड जी ए नॉट इज इक्वल जीरो, तो यहां पर आप राइट करेंगे प्रूफ करेंगे लेट वही राइट करेंगे सेम एफ एक्स एंड जी एक्स बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल ए देन वी हैव टू प्रूव दैट then we have to prove that fx upon gx is continuous at x is equal a, same write karna hai since fx and gx is continuous at x is equal a then by definition of then by Cauchy's definition for given epsilon is greater than 0 there exist अब टू फंक्शन है तो डेल वन डेल टू इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल वन इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन कितना एप्सिलॉन बाय टू सेम वैसे ही जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल टू इंप्लाइज
जी एक्स माइनस जी ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू, बट डेल इज इक्वल, आप चुनिएगा, सिलेक्शन कीजिएगा, तो डेल वन डेल टू, देन फ्रॉम वन एंड टू जीरो इज लेस देन मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल इंप्लाइज एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाय टू। और सेम देखिए प्यारे बच्चों, तीनों में सेम वही है, जी एक्स जी ए लेस देन कितना एप्सिलॉन बाय टू, दिस इज इक्वेशन थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट अपने को फाइंड क्या करना है, तो टेकिंग एफ एक्स अपॉन जी एक्स माइनस एफ एफ ए अपॉन जी ए, ये लेकर के लेस देन एप्सिलॉन या एप्सिलॉन डैश जो भी आता है सीन करना है। टेकिंग एलसीएम जी एक्स माइनस कितना, सॉरी जी एक्स इंटू जी ए, ये एलसीएम आया प्यारे बच्चों जी ए, तो एफ एक्स इंटू जी ए माइनस एफ ए इंटू जी एक्स। अब इसको हम सॉल्विंग करें तो इसका कितना हुआ, ऊपर के लिए देखिएगा एफ एक्स इंटू जी ए, यहां पर हमने माइनस एफ ए इंटू जी ए और प्लस किया उतना एफ ए इंटू जी ए, क्योंकि हमको एफ एक्स माइनस जी एक्स चाहिए, एफ एक्स माइनस सॉरी एफ एक्स माइनस एफ ए और जी एक्स माइनस जी ए चाहिए, एफ ए और ये हो गया जी एक्स। चलिए अपान अलग कर देते हैं इन दोनों को, ये ऑलरेडी नंबर है, देखिए दिस इज इक्वेशन। अब इसको पहले अलग करें तो इन दोनों में जी ए कॉमन हुआ, एफ एक्स माइनस एफ ए ये हो गया जी ए, प्लस इनमें से हमने एफ ए कॉमन निकाला, इसको माइनस भी कॉमन निकाल के रख सकते हो, है ना, तो क्या कर सकते हैं आप डायरेक्टली जी एक्स माइनस जी ए राइट कर सकते हो। यहां पर यदि आप माइनस देते हो बाद में तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी में प्लस हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस कॉमन निकाला और जी एक्स ये हो गया जी ए, सिंस मॉड एक्स प्लस वाई दैट इज लेस देन इक्वल देन मॉड एक्स मॉड वाई। देखिए प्यारे बच्चों, अब इनमें से ध्यान देंगे लेस देन इक्वल देन, इसका देखो मॉड एफ एक्स माइनस एफ इसका वैल्यू अपने पास है, ये ऑलरेडी पॉइंट है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये भी ऑलरेडी पॉइंट है, इसको भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास फिर इसका वैल्यू है, केवल हमको फाइंड क्या करना है, ये देखिए डिवाइडिंग बाई जी एक्स और जी ए इसका वैल्यू फाइंड करना है बस। ये हो गया इक्वेशन, अच्छा प्लस आएगा प्यारे बच्चों यहां पर, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। इक्वेशन थर्ड, ये देखिए थर्ड नो फोर्थ बच्चों, ये इक्वेशन फोर्थ, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। यहां पर हम देखते हैं एज ए फर्स्ट च्वाइस डेल इज इक्वल वन, देन फ्रॉम थ्री इफ जी एक्स माइनस जी ए इज लेस देन वन बाई टू, निगेटिव लेकर के चलिएगा तो निगेटिव से हम मल्टीप्लाई करते हुए राइट करेंगे वन बाई टू, निगेटिव यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस ग्रेटर होगा, ग्रेटर लेस होगा प्यारे बच्चों, इसको इधर ले जाइएगा तो जी ए इसको मोड जी एक्स लेंगे, इसको वन अपॉन ये हम राइट कर सकते हैं। अब देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर फाइव,
putting 3 and 4. Three and five in four. ये देखिए क्या मिलने वाला है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स माइनस एफ ए अपॉन जी ए लेस देन. अब यहां पर सीन करो प्यारे बच्चों, इसके जगह में देखो एप्सिलॉन बाई टू जी ए, ये देखो एप्सिलॉन बाई टू जी ए एफ ए एप्सिलॉन बाई टू एप्सिलॉन बाई टू जी ए प्लस एप्सिलॉन बाई टू एफ ए डिवाइडिंग बाई इसके प्लेस पर क्या है वन अपॉन जी एक्स प्लेस पर जी ए माइनस वन बाई टू और प्लस यहां पर देखिएगा जी ए, ये कौन है जी ए. अब इसको क्या करो सीधा सीधा लेस देन यहां पर क्या जाएगा सेकेंड चॉइस समझिए एप्सिलॉन बाई टू मॉड जी ए प्लस मॉड एफ ए ये सब पॉइंट है अपॉन जी ए माइनस वन बाई टू ये होगा जी ए. सबके लिए सीधा सीधा आप क्या कीजिएगा लेस देन एप्सिलॉन डैश मान लीजिए. तो यदि ऐसा सपोज करते हैं तो हम राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों एफ एक्स अपॉन जी एक्स माइनस एफ ए अपॉन जी ए इज लेस देन कितना एप्सिलॉन डैश. तो हैंस डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, वैसे ही राइट करना एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल ए. ठीक. तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, जल्दी नोट कर लीजिएगा. चलिए नोट करें. तो बच्चों बस इसी तरीके से करना ही है, थ्योरम कंप्लीट. अब हम टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है प्यारे बच्चों. तो चलिए यदि आज का क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार.